रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, यदि आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो आप लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस सर्टिफिकेट को अप्रूव कर देता है तो उस केस में आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं टीडीएस सीपीसी की वेबसाइट से। इसके लिए आपको tdscpc.gov.in पे लॉगिन करना है। टैक्स पेयर के जो है पैन से आप एंटर करेंगे, यानी कि जो सेलर है उसके लॉगिन आईडी से आप एंटर करेंगे और उसके बाद डाउनलोड में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड 197-269 सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से फ़ोन नंबर जो है सिलेक्ट करके, जैसे कि हमने अप्लाई किया था फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, फ़ोन नंबर 13 करके आप प्रोसीड बटन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड एंड व्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है। इसे आप क्लिक करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप टैन या फिर पैन वाइज सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप फाइनेंशियली सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको डिडक्टर का टैन या फिर पैन यहाँ पे एंटर करना है और प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। तीसरा ऑप्शन है आप बल्क सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, ये तीन ऑप्शन के द्वारा जो है आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं लोअर टीडीएस का। तो जो आप टीडीएस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके ओपन करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो है रेफरेंस नंबर होगा, डेट होगी किस दिन ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है, किस सेक्शन के अंतर्गत ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है और किस पैन के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे खास बात जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो टीडीएस रेट मेंशन किए होंगे, किस रेट से टीडीएस काटना है, वो यहाँ पे लिखा होगा कि एक्सक्लूडिंग एजुकेशन सेशन सरचार्ज एज एप्लीकेबल। तो इस प्रकार जो सरचार्ज है यदि आपके लिए एप्लीकेबल है और हायर एजुकेशन सेस, वो आपको इन एडिशन टू दिस जो है रेट यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो आपको डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मेंशन किया होगा, टैन एंड पैन नंबर, टैन नेम, यानी कि जिस व्यक्ति को टीडीएस काटना है, किस सेक्शन के अंतर्गत काटना है, किस नेचर का काटना है, कितने अमाउंट पे काटना है और ये सर्टिफिकेट किस डेट से किस डेट तक वैलिड रहेगा। तो ये सभी जो पर्टिकुलर्स है वो यहाँ पे मेंशन किए होंगे और यहाँ पे नीचे ये लिखा होगा कि सर्टिफिकेट नॉन ट्रांसफरेबल है और सिर्फ आप इस पैन को यदि पेमेंट करेंगे तो ही ये सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड रहेगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट होगा, इस पर कोई डिजिटल सिग्नेचर एक्स्ट्रा नहीं लगा होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।